नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम शाही पनीर बनाने जा रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से। इस तरीके से अगर आप शाही पनीर बनाएंगे तो आप घर में ही बना करके खाना पसंद करेंगे ना। है कब डालना है ये स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, तैयार करेंगे। तो ये है हमारा पनीर, तो इस हिसाब से हम मसाला तैयार कर रहे हैं। ये है लहसुन, अदरक, काली मिर्च, जीरा और लाल मिर्च, इन सभी को हम साथ में पीसेंगे। और ये प्याज को हम अलग से पीसेंगे और ये टमाटर को भी हम अलग पीसेंगे। अब इधर ध्यान देने वाली बात है, काजू, किशमिश और बादाम को हम गर्म पानी में फुलाए हुए थे ताकि ये आसानी से पिसा जाए। तो काजू, किशमिश और बादाम, ये है मगज, ये है पोस्ता दाना, तो इन सभी को हम साथ में पीसेंगे। इनको हम जीरा गोलकी वाले मसाले के साथ नहीं पीसेंगे, इनको हम अलग पीसेंगे। यहाँ पे हम जीरा काली मिर्च खड़ा ही ले रहे हैं, आप चाहें तो पाउडर भी ले सकते हैं। और कोशिश आप ये करें कि लाल मिर्च ही लें क्योंकि इससे कलर जो है शाही पनीर में बहुत ही अच्छा आएगा। वैसे हम बाद में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी हम डालेंगे, लेकिन पीसते समय हम ये मिर्च को भी पीसेंगे। और यहाँ हम सभी खड़े मसाले ही ले रहे हैं, अगर आप पाउडर डालना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। गर्म कढ़ाई में बटर डालेंगे। अब हम कटे हुए पनीर को डालेंगे। इसे हम निकालेंगे। अब इसी बटर में हम खड़े मसाले डालेंगे, तेजपत्ता, काली मिर्च 4 से 5, शाही जीरा, 2 साबुत लाल मिर्च, छोटी इलायची और ये बड़ी इलायची, और ये 2 लौंग। अब हम डालेंगे पीसा हुआ प्याज, प्याज का जो हम प्यूरी बनाए थे वो डालेंगे। अब हम पीसे हुए मसालों को डालेंगे, जो हम जीरा गोलकी अदरक लहसुन जो पीसे हुए थे उसे डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे और धनिया पाउडर डालेंगे। अब सभी मसालों के साथ प्याज को भूनना है। अब अच्छे कलर के लिए हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च 2 चम्मच, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, मसाला अच्छे से भुना चुका है। अब हम इसमें डालेंगे काजू, किशमिश, बादाम, पोस्ता दाना और मगज वाला पेस्ट। इसे बाद में भूनने का ये रीजन है कि ये बहुत जल्द भुनाता है, इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है। मसाला तो भुना ही होता है, अगर मसालों के साथ इसे हम भूनते तो ये जल जाता, टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता, इसलिए हम बाद में यह डाले हैं। हल्का सा पानी डाल करके भुनेंगे ताकि अच्छे से भुना जाए। अब टमाटर का प्यूरी डालेंगे। दही डालेंगे हम। फ्रेश क्रीम डालेंगे, जो दूध से जो छाली निकलता है, जो मलाई निकलता है वो है, क्योंकि यहाँ हम खोआ नहीं डाल रहे हैं। तो मलाई, खोआ अगर आपके पास है तो खोआ भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी खोआ नहीं है तो हम दूध का मलाई डाल रहे हैं, ये फ्रेश है। यहीं पे हम डालेंगे कस्तूरी मेथी, ये हम तवे पे सेक करके हाथों से मसल दिए हैं, इसे हम डालेंगे।
मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुनाया है। अब यहाँ पे हम दूध डालेंगे, मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है। लास्ट में हम गर्म मसाला डालेंगे, मसाला हमारा तैयार है। अब हम पनीर को डालेंगे। शाही पनीर हमारा बिल्कुल तैयार है। लास्ट में हम धनिया पत्ती डालेंगे। अब इसे हम सर्व करेंगे।